जैसे कोई कोई भी चीज़ होती है, जब तक वो चीज़ पब्लिक में नहीं आती, जब तक लोग उसके बारे में जानते नहीं है, तो क्या है फिर वो उसके बारे में विचार भी नहीं करता है जी। तो जब लोग समझते हैं कि हमें ये चीज़ है, तो उसका यूज़ करना भी वो उसका सोचता है कि यार अपन इसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है। तो हर चीज़ का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आता है ना, तो उसके बारे में उसको मार्केट में उसको अपलिफ्ट करना जी। ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कॉन्टेक्ट हब के एक ऐसे पॉडकास्ट में जो थोड़ा टेक्निकल होने वाले। टॉपिक तो आपने थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, जिसका नाम है बट जॉइंट, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी मशीन है जो टेक्निकली बहुत यूजफुल है। और हम ओवरलैपिंग जो हम कर रहे हैं उसमें कैसे कैसे इम्पैक्ट हम देख नहीं पा रहे हैं, कैसी चीज़ें हम नहीं देख पा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ जो पर्सन है वो भी थोड़े टेक्निकल ही हैं, टेक्निकली साउंड है और एक सिविल इंजीनियर है। तो मैं स्वागत करता हूँ मेरे दोस्त नीरज सर का, और हम उनसे जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो टेक्निकली थोड़ी होंगी और मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो नीरज सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप वैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट हमारे व्यूअर्स के लिए आप उनको बताइए कि आप क्या काम करते हैं, और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो है बट जॉइंट मशीन, तो उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होती है। एक नॉर्मल पर्सन को बताना हो उसको कैसे बट जॉइंट मशीन क्या होती है, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट, एक नई चीज़ है ये, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। त्रिविंदर जी, आपको तो जैसे पता ही है कि मैं किस पोस्ट पे या फिर कौन से सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ जी, लेकिन फिर भी अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बता दूँ कि माई सेल्फ नीरज जांगी, और मैं यहाँ पे सीनियर टेक्निकल इंजीनियर पोस्ट पे काम करता हूँ, और अभी मैं करंटली बट जॉइंट टेक्नोलॉजी है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और उसको कैसे फील्ड में एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें कुछ क्या क्या उसके क्या बेनिफिट्स हैं फील्ड के ऊपर, और कैसे वो एनहेंस है कि ओवरलैपिंग और कपलर उसका भी एक अल्टरनेटिव है, तो उसी पे है मैं काम कर रहा हूँ। ओके तो नीरज सर, एक्चुअली में ये बट जॉइंट जो मशीन है, जो कंपनी का जो अपन जो अपना एक वाई है, अपना एक मिशन है, अपना कंपनी का मिशन है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जिनको मार्केट मतलब कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, जिसमें मैन्युफैक्चर का भी बेनिफिट हो, मैन्युफैक्चर की भी हेल्प हो जाए और कंज्यूमर की भी हेल्प हो जाए, तो ये जो बट जॉइंट जो मशीन है ये कैसे इसमें फिट बैठती है, कैसे हेल्प कर रही है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कहने का ये कि जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड की अपन बात करें जी, तो काफ़ी टाइम से अपन ओवरलैपिंग यूज़ करते आ रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन अपने को पता है कि ओवरलैपिंग का अपन इफेक्टिव भी नहीं है, लेकिन उसको अपन यूज़ करते आ रहे हैं जी, और अपने स्ट्रेंथ की बात करें उसमें भी वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती है साइड के ऊपर कॉलम के अंदर। तो अभी जैसे कि अपने को पता है कि भाई उसमें एक्स्ट्रा स्टील अपना वेस्ट होता है जी, ठीक है, लेकिन अपने पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, लेकिन अपन थोड़ा उसके बारे में अपन विचार करते सोचते कि हाँ यार अपन नया स्टील वेस्ट हो रहा है इसमें, तो इसका कुछ अपन कुछ कर सकते हैं क्या, तो उसे काफ़ी टाइम निकल गया, उसके बाद एक सॉल्यूशन भी आया, जैसे कि अपने कपलर आया था जी, तो कपलर में थोड़ा लोगों में अवेयरनेस आई कि हाँ यार ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इससे अपना स्टील भी बच जाता है और अपने को अपने जो लेबर है उसको भी दिक्कत कम होती है, उसमें बिल्डर्स का पैसा बचता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे अब टाइम स्पेंड होता गया तो लोग थोड़ा थोड़ा अवेयर होते गए कि हाँ यार इसका भी है तो इसका भी कुछ होगा। तो उसके बाद जैसे कोई कोई भी चीज़ होती है, जब तक वो चीज़ पब्लिक में नहीं आती, जब तक लोग उसके बारे में जानते नहीं है, तो क्या है फिर वो उसके बारे में विचार भी नहीं करता है जी। तो जब लोग समझते हैं कि हमें ये चीज़ है, तो उसका यूज़ करना भी वो उसका सोचता है कि यार अपन इसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है। तो हर चीज़ का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आता है ना, तो उसके बारे में उसको मार्केट में उसको अपलिफ्ट करना जी। ओके इसमें है कि बट जॉइंट से जैसे आपने बताया लैप में ओवरलैपिंग में, सब पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरलैपिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं, ओवरलैपिंग में बेसिकली क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या जो बिल्डर अपन जो नॉर्मली कर रहे हैं ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग थोड़ा आप बता दीजिए कि ओवरलैपिंग होती क्या है, और ओवरलैपिंग में बेसिकली ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो
जो हम देख नहीं पा रहे हैं बट होती है वो, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिसका सॉल्यूशन ये बट जॉइंट मशीन है, तो आप वो प्रॉब्लम्स थोड़ा बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, क्या है ओवरलैपिंग में। एक तो अपन अगर इकोनॉमिकली अपन बात करें जी, तो इसमें एक तो स्टील का वेस्टेज है जी, ठीक है। अगर अपन उसको अगर टेक्निकली अपन बात करें तो ओवरलैपिंग में क्या होता है कि पहले अपन ये समझते हैं कि बेसिकली ओवरलैपिंग होती क्या है कि जब अपन अपना एक कॉलम कास्ट हो जाए, एक फ्लोर कास्ट हो जाती है, तो जब अपन अगली फ्लोर बनाते हैं तो कॉलम को अपन क्या कंप्लीट एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट कॉलम को कास्ट करने के लिए अपन को जॉइंट देना पड़ता है जी। तो उसमें जो अपन ट्रेडिशनल मेथड है, जो अपन बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, जिसको अपन सिंपल भाषा में बोले तो इसको अपन ओवरलैप बोलते हैं इसको जी। तो इसको अपन बोलते हैं बेसिकली ओवरलैपिंग। ओके, तो अपन बेसिक टेक्निकली अपन बात करें तो क्या है, जो रिइंफोर्समेंट जो अपन यूज करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करें, तो स्ट्रेंथ की बात करें, तो उसमें क्या है बार की जो स्पेसिंग होती है उसमें स्पेस कम रह जाता है, तो जब अपन कंक्रीट प्लेस करते हैं तो क्या है प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या है अपन ना तो कॉम्पैक्शन कर पाते हैं, उसकी वजह से कंक्रीट कंजेशन का इश्यू आ जाता है, जो कि टेक्निकली एक रॉन्ग पॉइंट है। ओके, उसकी वजह से हनीकॉम्बिंग आ जाती है। ओके, तो ये ओवरलैपिंग का इकोनॉमिकली और टेक्निकली दोनों ही कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसको अपन को ध्यान देना चाहिए, उसको ओवरकम करना चाहिए। आपका कहने का मतलब है हनीकॉम्बिंग हो गया कि कुछ वॉइड्स रह जाते हैं, जैसे जैसे अपन लोकल लैंग्वेज में अपनी अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं थोथा, वो चीज रह जाती है, थोथा जिसको बोलते हैं वो चीज रह जाती है, और वो फिर बाहर निकलने लग जाती है, दिखने में भी सही नहीं लगता है। हाँ, तो उसका टेक्सचर भी सही नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्डर जो कॉन्ट्रेक्टर जो होते हैं वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन टेक्निकली पॉइंट पर जो कंसल्टेंट होता है उसको चीज को अंडरस्टैंडिंग है ओवरलैपिंग के नुकसान है इस चीज के। ओके, एक सर मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि ओवरलैपिंग बीम जंक्शन में आती ही आती है। ओवरलैपिंग को आप कितना ही दे लो कि जो नॉर्मल अपनी जो हाइट होती है फ्लोर की 3 मीटर हाइट होती है, अगर वो रखते हैं तो उसमें वो ओवरलैपिंग बीम जंक्शन में आती ही आती है, और वो हार्मफुल है, वो कितना इफेक्ट डाल सकती है अपनी बिल्डिंग्स में। उसमें ये है कि जैसे कि अपन कॉलम में अपने जो 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 प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के एरिया पे डिपेंड करता है कि अपने कॉलम की जो साइज है, कॉलम साइज वेरी करती है। अगर आप नंबर ऑफ बार्स अपने कॉलम में ज्यादा होंगे तो ओवरलैपिंग का जो क्राइटेरिया जो अपने कोड बोलता है उसको भी फुलफिल करना एक टिपिकल टास्क होता है। Okay. कि भाई जैसे कि वो बोलते हैं कोड रिकमेंड करता है कि आप जो ओवरलैपिंग है वो आप नो लैप जोन में ही जानी चाहिए, और उसका कुछ मिनिमम 50% कुछ क्राइटेरिया है कि आप 50% तो आप स्टैगर दो। लेकिन प्रैक्टिकली जब नंबर ऑफ पास बढ़ती है तो उसका एग्जीक्यूट करना एक टिपिकल टास्क होता है। तो उसमें क्या है जब अपन ओवरलैप करते हैं तो कुछ पोर्शन होता है जो अपने को जो नो लैप जोन है उसमें चला जाता है। अच्छा, तो टेक्निकली अपन बात करें तो वहां पे क्या होता है, सेंटर में तो बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है लेकिन जंक्शन पे स्ट्रेस ज्यादा होता है। अच्छा, तो ओवरलैप को अपन बेसिकली अवॉइड ही करते हैं वहां पे, तो ओवरलैपिंग को अपन चाहकर भी उससे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओके, अवॉइड ओवरलैपिंग सेंट मिड उस जो बीम जंक्शन हो गया है जिसको ए जोन अपन बोलते हैं, नो लैप जोन, उसमें आती ही आती है, चाहे उसको मेंटेन नहीं कर सकते। छोटी बार से 16-20 की वो अपन कर सकते सकता है, लेकिन जो हायर मैक्सिमम डाया के होते हैं उनको आप मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अल्टरनेट भी रखना है और साथ में आपको वो लैप जोन में भी लैप जोन में अवॉइड करना है और आपको स्टैगर भी करनी है, लेकिन वो बीम जंक्शन में आते ही आते हैं। और ये हार्मफुल भी है, जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रेस ज्यादा वहीं रहता है, बेंडिंग मोमेंट वहीं रहता है, तो वो अर्थक्वेक वाले जो ऐसी चीजें वहां पे हार्मफुल भी है, उसके लिए सही नहीं है वो। ओके, तो इससे अपन जैसे अपने कपलर हो गया या बट जॉइंट हो गया, ये इसका एक सॉल्यूशन है, तो ये इसको कैसे नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज को? इसका सबसे बेनिफिट ये है कि जैसे अपन बेसिक माल अपन बट जॉइंट ही यूज कर लेते हैं उसके अंदर जी, तो बट जॉइंट का ये है तो एक तो आपका स्टील वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो आपका एक इकोनॉमिकली बेनिफिट ये हो गया। दूसरी बात, जब आप बट जॉइंट यूज करोगे तो वो स्पेस कम लेता है, मतलब आप जो स्टैगरिंग का जो क्राइटेरिया है कोड का उसको आप फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में जो ओवरलैपिंग जो होती है उसका कोड का कुछ क्राइटेरिया है कि दो ओवरलैपिंग के बीच में मिनिमम 300 की स्पेसिंग भी होनी चाहिए दोनों के बीच में, आपको स्टैगरिंग भी मेंटेन करनी है और आपको वो जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम
300 mm यानी 30 सेंटीमीटर के आसपास गैप भरना है ई स्लैब में, तो वो चीज है वो आप बजट में आप मेंटेन कर सकते हो और स्टैगर भी कर सकते हो। ओके, और उसका जो एग्जीक्यूशन जो बेसिकली जो टाइम कंज्यूमिंग है, ओवरलैपिंग में आपको लेबर ज्यादा लगती है उसमें, ठीक है, और उसमें क्या बोलते हैं टाइम के अपन बात, टाइम भी ज्यादा लगता है और बेड जॉइंट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपको टाइम भी कम लगेगा और जो स्टैगरिंग है वो भी अपन इजीली मेंटेन कर सकते हो आप। ओके, अब जैसे आप बोल रहे हो कि स्टील वेस्टेज होता है, तो स्टील किस तरह से वेस्ट होता है ओवरलैपिंग में, किस तरह से स्टील वेस्ट होता है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। स्टील वेस्ट जैसे है कि जैसे कि अपना जो ओवरलैपिंग का जो क्राइटेरिया है वो बार टू बार वेरी करता है। ओके, जैसे कि अपना कि बेसिकली अपन जब अपन साइट की बात करें तो अपना जो कॉन्ट्रेक्टर है वो थंब रूल पे ही चलता है जी, ठीक है, जैसे कि कोई भी अपन ओवरलैप करते हैं तो 50 dB पे या 40 dB पे वो चलता है। तो जैसे कि मान लो अपन 20 mm की अपनी बार है, लेट सपोज एक कॉलम के एक एक बार की अपन बात करें तो उसमें अपन ओवरलैपिंग की बात करें तो 50 dB यानी कि डी अपना डायमीटर 20 mm, तो उसका हो जाएगा 1000 mm, ऑलमोस्ट 1 meter की एक बार में ओवरलैप कॉस्ट चले जाती है। ओके, अगर अपन मिनिमम बार अपन एक कॉलम में अगर 10 dB माने तो उस आप मल्टीप्लाई कर लो कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है कि अगर आप एक बार के अंदर आपका 1 meter का स्टील जा रहा है तो 10 bar में 10 हो गए। अगर अपन उसका अपन 1 meter के स्टील का अपन वेट निकालें और मार्केट की जो रेट है दूसरी बात आपका डेड लोड भी बढ़ रहा है उसकी वजह से। ओके, और उसकी वजह से आप टेक्निकली नुकसान झेल ही रहे हो, उसके बाद आप इकोनॉमिकली भी ले रहे हो उस चीज को कि आपका पैसा भी लग रहा है, स्ट्रक्चर भी अनसेफ हो रहा है, तो काफी इसके एस्पेक्ट है जो अपने को कंसिडर करने चाहिए। ओके, आपने इसके ऊपर ब्लॉग भी लिख रखा है, हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर ब्लॉग भी आपने इसके बारे में लिख रखा है, थोड़ा और डिटेल्स में अगर आपको जानना हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके उस ब्लॉग को रीड कर सकते हैं, सर ने लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें उसमें प्रॉब्लम आती है। अब सर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन अपन कपलर भी है और बट जॉइंट भी है, तो देखा जाए तो इन दोनों में कंपेरिजन करें तो बट जॉइंट बेटर है, तो आप उसका थोड़ा बताइए कि बट जॉइंट कैसे बेटर है इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली, कैसे बेटर है इकोनॉमिकली बताइए सर। इकोनॉमिकली बात करने का, जैसे अपन अगर कपलर साइड पे यूज करते हैं जी, तो उसमें क्या है अपने को थ्रेडिंग की रिक्वायरमेंट होती है जी, ठीक है, तो कपलर के कुछ एडिशनल फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है कि अगर अपने साइड को इनकेस मान लो अपन ने साइड के ऊपर कोई अपने साइड चल रही है अपन ने उसको एक स्लैब कास्ट कर ली और कोई रीजन आ गया कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, 2 से 3 साल तक होल्ड कर दिया और अपन ने बार को थ्रेड करवा दी, थ्रेडिंग करने के बाद क्या है फिर अपने को थ्रेडिंग कैप लगानी पड़ती है जी, ठीक है, वहाँ पे 2 से 3 साल तक अपन ने वेट किया उसके बाद अपन को कंस्ट्रक्शन वापस से चालू करना है जी, तो हो सकता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जाए कि आपने जो थ्रेडिंग कैप लगाई है वो डिटोरेट हो जाए, ठीक है, आपका थ्रेडिंग डिस्टोर्ट हो जाए, अगर आपकी थ्रेडिंग डिस्टोर्ट हो गई तो आपके लिए वो टिपिकल टास्क हो जाएगा कि आप वापस से कास्टेड बार को आप थ्रेड नहीं कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पे आप कपड़ा यूज करो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वहाँ पे, सबसे डिसएडवांटेज ये है। दूसरी बात इकोनॉमी की अपन बात करें तो थ्रेडिंग तो करवानी ही पड़ेगी कपड़ा लाने के लिए, कपड़ा यूज करने के लिए, तो इकोनॉमिकल ये होगा इस चीज को लेके। और अपन बट जोन की बात करें, बट जोन में आपको थ्रेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, ठीक है, और दूसरी बात आपको पहले से ही आपको रीबार को थ्रेडिंग के केस में आपको रेडी करनी पड़ती है कि मेरे को भाई कपड़ा यूज करना है तो पहले थ्रेड करनी पड़ती है। ओके, तो आपको थ्रेड मशीन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो इन केस अगर आप रोलटेक यूज कर रहे हो या फोर्जिंग यूज कर तो फोर्जिंग मशीन आपको इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, तो ये चीज आप बट जोन के कंपैरिजन में ये है कि इसमें आपको एडिशनल कॉस्ट लगती है वो चीज की, क्योंकि आप बट जॉइंट में सेव कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर अपन स्ट्रेंथ की अपन बात करें तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है दोनों की। ओके, कपलर के मानो और बट जॉइंट के मानो, अगर आपको इसका बेनिफिट ये है कि आपको थ्रेड नहीं करवाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप बार को जोड़ सकते हो। okay. और आपको जो इन फ्यूचर आपका जो कंस्ट्रक्शन जो पेंडिंग पे है आपको रीकंटिन्यू करना चाहते हो तो बट जॉइंट आपको इसमें काफी बेनिफिशियल हो सकता है। एक अपन ओवरऑल देखें तो कितना स्क्वायर फीट इसमें आता है और कितना स्क्वायर फीट बट जॉइंट में आता है, तो दोनों में कितना सेविंग होता है? सेविंग ऑलमोस्ट 1/3 मान लो, जैसे कि अगर अपन कपलर का अपने 10 rupees लग रहे हैं तो बट जॉइंट आप 4 से 5 rupees इसमें
का और मतलब आपने रफली फिगर काउंट करो 1/3 मान सकते हैं कर बजट का। ओके बस इसमें बजट का है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो इसका ये भी है कि मल्टीपल साइट में आप इजीली यूज कर सकते हैं इसको। ओके ओके आपने वीडियोस भी बना रखे हैं और आपने ब्लॉग्स भी लिख रखा है इसके बारे में, मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके देख लीजिएगा। और ठीक है सर, नीरज सर अभी मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अपन इसमें आईएएस कोड वगैरह जो अपने सिविल से कुछ रेफरेंस तो होता ही है, हम कोई भी काम करते हैं किसी एक रेफरेंस एक मानक जो अपन मानते हैं वो रहता ही है, तो इसमें अपन कौन सा आईएएस कोड को ले रहे हैं, इसमें आईएएस कोड कौन सा अलाउ कर रहा है आईएएस कोड जो होते हैं सिविल्स में? हाँ बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि अपन कोई भी साइट पे कोई भी चीज यूज करते हैं तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टेक्निकल अपन बात करें तो उसके अंदर जैसे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है तो अगर कपलर भी यूज कर रहे हैं तो उसके जो प्रॉपर्टीज है जो पैरामीटर्स है उसको कंसिडर करता है कि भाई अपन स्टील को अपन ज्वाइंट कर रहे हैं तो अपन बेसिकली कौन से ग्रेड का कपलर यूज कर रहे हैं या फिर कौन सी ऐसी मशीन यूज कर रहे हैं कि ये रिकमेंडेड है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अपन बेड जॉइंट की अपन बात करें तो बेड जॉइंट का एक जो प्रोसीजर है उसको आईएएस 9417:2018 को रिकमेंड करता है कि आप इस प्रोसीजर को इसमें अपने जो टीएमटी बार में अप्लाई कर सकते हो। okay. और उसका एक लिमिट्स दी गई है कि अगर आप जैसे कि वो बोल रहे हैं कि अगर आप बेड जॉइंट करते हो तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ की अगर 90% आपकी आ रही है तो आप उसको साइट पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके तो इसमें आती है स्ट्रेंथ अपनी? बिल्कुल, इसमें क्या है जैसे कोई भी बेड जॉइंट साइट पे यूज करने से पहले क्या है उसके टेस्ट होते हैं। ओके टेस्ट होने के बाद ही अप्रूव्ड होते हैं, उसके बाद इसको यूज किया जाता है। ओके अब जैसे नॉर्मल मैंने वेल्डिंग देखी है, नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं अपन, वो चिंगारी सी निकलती है, वो सही नहीं बताते हैं, वो सही नहीं आता, और ये भी एक टाइप की वेल्डिंग ही है अगर आईएएस 9417 जो है उसमें अगर देखे तो इन दोनों में फर्क क्या है और ये कैसे सही है अपन इसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं कॉलम्स में, तो ये क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये है तो एक वेल्डिंग का टाइप ही जी। लेकिन काफी मेरे को ये काफी यूनिक लगी क्योंकि जैसा कि अपने पास बहुत टाइप के वेल्डिंग के मेथड्स हैं, जैसे अपन बात करें आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, गैस प्रेशर वेल्डिंग है और भी टाइप की वेल्डिंग है, जैसे कि बट जोन उन्हीं में से एक है जी। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है जैसे कि अपन आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं तो उसमें क्या अपन इलेक्ट्रोड्स होता है, अपना एक होल्डर होता है उसमें इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट उसका जो मटेरियल है बार बार वो उसमें जॉइंट नहीं होता, उसके ऊपर एक लेयर बनती है इलेक्ट्रोड्स, वो खुद वो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं उसमें आर्क वेल्डिंग में। ओके और उसका जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होता है बार के सेल्फ टेम्परेचर से। ओके तो कहीं ये है कि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर अपन बार को जॉइंट करते हैं। सिमिलरली वैसे एक मेथड है गैस प्रेशर वेल्डिंग, उसमें भी बार को एक होता है कि नोजल्स होता है उसमें एकदम ही लिक्विड फॉर्म मेल्ट कर दिया जाता है, तो वैसे इसको ऐड करते हैं उसमें। अब जैसे बाकी अदर वेल्डिंग में हमें कुछ फिलर मटेरियल डालना पड़ता है, हाँ, तो अपन जैसे इसमें नहीं होता। हाँ, बट जॉइंट एक ऐसी चीज है कि अपने को एक्सटर्नल कुछ भी नहीं करते हैं, वो जस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और जो अपनी जो रीबार वो सेल्फ रीबार ही फ्यूज होती है। अच्छा, सेल्फ बार ही फ्यूज होती है। सेल्फ बार ही फ्यूज होती है। अब इसमें वो जो फ्लक्स अपन यूज में लेते हैं, फ्लक्स होता है एक चीज जो अपन मैंने वीडियो देखे थे आपके, उसमें फ्लक्स होता है, तो उसका क्या यूज होता है फ्लक्स का? फ्लक्स क्या है बेसिकली, आई थिंक लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लक्स को वो एज ए फिलर मटेरियल काउंट कर लेते हैं जी, कि भाई वो बाकी जो मेथड्स है उसमें इलेक्ट्रोड्स है इसमें फ्लक्स है कुछ है ये, तो उसमें क्या है वो ही मेल्ट होकर उसको ऐड कर देगा। तो फ्लक्स नॉट ए फिलर मटेरियल, इसे डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये है कि जैसे कि बट जॉइंट एग्जीक्यूट होता है तो उसको एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर प्रोवाइड करता है, ताकि जैसे अपन सडन हीट होता है सडन कूल होता है तो वो सडन क्रैक ना आ जाए, एक बस जैसे एक लेयर फॉर्म करता है वो, तो एनवायरमेंटल जो कंडीशन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान सकते हैं, जस्ट को वही वर्क होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने जॉइंट को स्ट्रेंथ देने के लिए। ओके ओके ठीक है नीरज सर, आपसे ये जानकारी लेके अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और आई होप सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी जल्द बैठेंगे और इसके बारे में और डीप नॉलेज गेन करेंगे। तो
नीरज सर ने जो भी ब्लॉग्स लिखे हैं और जो भी वीडियोस बनाए हैं उनके, जैसे मैंने पहले बताया था, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज जाके देख लीजिएगा। बहुत ही यूजफुल चीज है, हमारी बिल्डिंग्स के लिए बहुत यूजफुल चीज है, तो प्लीज इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट में लाइए, क्योंकि ओवरलैपिंग में आपका सरिया और बहुत सारी चीजें ऐसे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं आप उस ब्लॉग में जाके देखेंगे तो आपको जानने को मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख के भी अनदेखा कर रहे हैं या हमें मालूम हमें दिख नहीं रही है, बट वो चीजें होती हैं और बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं, तो आप वो देखिए और बट जोन के बारे में भी जानिए। तो ठीक है, ठीक है नीरज सर, ओके सर, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।